बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड स्थित राजस्थान के मंत्री के आवास पर आईटी की छापेमारी हुई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, जिनके उत्तराखंड स्थित आवासों पर इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त चल रही है। राजेंद्र सिंह यादव के किच्छा स्थित घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, वहां पर इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है। इसके अलावा यादव फूड प्रोडक्ट फ्लोर मिल पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जो कि रुद्रपुर रोड पर है। और यादव के जयपुर और कोटपुतली यानी कि राजस्थान में भी जो आवास और स्कूल है वहां पर भी छापेमारी हुई है। तो उत्तराखंड स्थित राजस्थान के मंत्री के आवास पर, जिनका नाम राजेंद्र सिंह यादव है, जो कि राजस्थान की सरकार में गृह राज्य मंत्री है, उनके आवास पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है। किच्छा में उनका आवास है, किच्छा में उनका घर है, इस घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। इसके अलावा यादव फूड प्रोडक्ट फ्लोर मिल पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। हालांकि राजस्थान में भी उनके कुछ आवास हैं जहां पर छापेमारी इस वक्त इनकम टैक्स की चल रही है अलग अलग ठिकानों पर। इन्हीं में से उत्तराखंड के किच्छा में भी उनका एक आवास है जहां पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है। तो राजस्थान की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, जिनके आवास पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। किच्छा में आईटी की टीम ने करीब सुबह 8:30 बजे उनके जो यादव फूड्स फ्लोर मिल है वहां पर और जो उनका आवास है उस पर एक साथ छापा मारा है। अलग अलग वाहनों में आईटी की टीमें अंदर पहुंची, कागजातों की जांच की जा रही है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया और ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो राजेंद्र पाल सिंह यादव राजस्थान के कोटपुतली से विधायक हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से होते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ पर रहे। पहले राजस्थान सरकार में जनशक्ति नियोजन व मोटर गैराज स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे और बीते साल उन्हें राजस्थान सरकार में जिम्मेदारी उनकी बढ़ाई गई, गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया। तो उनके आवासों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है राजस्थान में और उत्तराखंड में।